वीर भोग्य वसुंधरा, यानी जो वीर है वही धरती पर राज करता है, वही धरती का सुख भोग सकता है। जिस वीर की कहानी हम आप सुनाने जा रहे हैं वो उसी रेजिमेंट का हिस्सा था जिसका ये नारा था। लेकिन उसकी वीरता की कहानी सुनाने से पहले हम आपको उसकी शख्सियत से रूबरू कराते हैं, कैप्टन विजयन थापर। चलते, चलते, मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये आवाज 22 साल के उस नौजवान की है जो सबसे भीषण युद्ध के सबसे कठिन मिशन पर निकलने वाला था, करगिल के हीरो लेफ्टिनेंट विजयन थापर। गाने बजाने के थोड़े शौकीन थे तो कैसेट्स उनके आए थे, तो उनमें से व्यूअर उनमें से जब हम प्ले कर रहे थे उनको, उनमें से दो कैसेट मिले। ये गाने वो किसी चमचे के साथ ड्रम बजा रहे हैं और एक दो उनके दोस्त हैं मिलके, वो उन्होंने गाने गाए थे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के। रणभूमि में रिकॉर्ड किया ये विजयंत का आखिरी गाना था। न तो इस आवाज में खौफ की सलवटें हैं, न अंदाज में मौत का डर। इस आवाज में बेफिक्री है, इस अंदाज में चुनौती है। ये हिंदुस्तान के एक ऐसे वीर सपूत की आवाज है जो मातृभूमि पर कुर्बान होने को अपना परम कर्तव्य मानता था। जब हम किसी परेशानी से झल्लाते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें कैप्टन विजयन थापर की कहानी के बारे में सोचना चाहिए। जरा उन परिस्थितियों की कल्पना कीजिए, एक 22 साल का नौजवान एक टेंट में बैठा हुआ है जो बिल्कुल अंधेरा है, बाहर -5 डिग्री का तापमान है, चंद घंटों में निकलकर 16,500 फीट की एक पहाड़ी को फतेह करने जाना है। जहां पर वो टेंट है उसके ठीक ऊपर पाकिस्तानियों का एक बंकर है जहां से वो लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। आपको पता नहीं आप जिस मिशन पर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से लौटकर आ भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन उसके बावजूद उस टेंट में बैठकर बेफिक्री से अपने वॉकमैन पर एक गाना रिकॉर्ड करना, ताकि जाते जाते माँ बाप को एक आवाज तो दे सके। ऐसे ही थे कैप्टन विजयन थापर, उनकी जिंदगी का पैमाना छलकता ही रहता था। बचपन से ही हर बात में अव्वल, गाना, एक्टिंग, हर चीज में माहिर। पर विजयंत के परिवार में उनसे पहले की 3 पीढ़ियां सेना में थी, लिहाजा छोटी उम्र से ही उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। फिर उनके नामकरण की भी तो एक खास कहानी है। पहले तो मैं वीरेंद्र हूँ और हमने कहा कि वी से ही उसका नाम होना चाहिए, तो हमने उस समय में मैं 16 आर्मर ब्रिगेड में था पठानकोट में, और वहाँ पे चारों तरफ टैंक ही टैंक थे। विजयंत हमारा मेन बैटल टैंक था, तो हमने ज़्यादा कुछ उसके वो नहीं किया और एकदम उनका नाम विजयंत रख दिया। उनको कभी इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि उन्हें कुछ और करना है, तो वो फौज के लिए ही बने थे।